न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। गिवन डेटा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड वन का क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इज इक्वल टू 2997924.58 मीटर पर सेकेंड। गिवन हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हमने क्या पॉइंट करना है। हमें क्वेश्चन ये कहता है कि आपने राइट के लिखना है वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। ये स्पीड ऑफ लाइट आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और बी पार्ट इसका ये कहता है कि एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है गिवन डेटा में, सी इज इक्वल टू ए, और हमने फाइंड करना है ए पार्ट राइट द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और बी पार्ट इसका ये कि आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने और 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास बराबर होते हैं एन इज इक्वल टू एम क्रॉस 10 पावर एन। इधर हमारे पास एन ये नंबर होता है, एम हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वो, और एम सॉरी 10 पावर एन हमारे पास जितने ये नंबर हो गए वो हम लिखते हैं। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इस तरह होगा, साइंटिफिक ये हमारे पास होगा 2.997924.58 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट ऑफ पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। आप जब साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो उसके दरमियान आपने एक पॉइंट लगाना है, और जितने पॉइंट के उस साइड पे नंबर होंगे उसको आपने पावर ऑफ 10 में लिखना है। इधर हमारे पास कितने, ये 8 है तो ये हमारे पास 8 हो गया। साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हमारे पास जो लार्ज नंबर होता है फिजिक्स में या मैथ्स में उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो इसलिए इसको हम फिर क्या इसके लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमेशा आपने जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके दरमियान पॉइंट लगाना है, और फिर आपने नंबर्स को पावर ऑफ 10 में लिखने जितने नंबर होते। इस तरह इसका बी पार्ट हमें क्या कहते हैं, बी पार्ट ये कहते हैं कि आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए 5। तो ये हमारे पास हो गए, या इस साइंटिफिक नोटेशन से इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया 2.99797 × 10⁸। सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास क्या होंगे, जो हमारे पास हर वो आदत जो नॉन जीरो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। पार्ट वन हमारे पास क्या कहते हैं कि आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, तो ये 5 हो गए इंटू 10⁸ आपने लिखना है। इस तरह 3 हमारे पास क्या होंगे 2.99, इसकी जगह अगर हम 8 लिखें तो भी ठीक है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 2.998 है तो ये हमारे पास हो जाएंगे 3 × 0⁸, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आज तक तड़ा